टेम्परेचर बढ़ाने वाला आएगा ना। बॉडी के जो अन्य पार्ट होते हैं उन सब पर पड़ता है। ये बात जब हमने महसूस की, ये बात रखी तो मित्र हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, ये सही बात है। जब माता पिता अपने बच्चे की चिंता में रात को सोते नहीं है कि 3 बजे लौटेगा, अभी तक आया नहीं, आज 12 भी बज गई है, 3 भी बज गई है, उनको नींद नहीं आती, और नींद नहीं आने के कारण उनको और भी ज्यादा, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि स्लीप एपनिया भी करके कोई बीमारी होती है, लेकिन हम आपस में ही नहीं पहचान पाते कि यार मेरा लाइफ पार्टनर फटाके बहुत ले रहा है, तो वो सोचते हैं कि उनके बहुत गहरी नींद हो रहा है। जबकि वो गहरी नींद नहीं होती, वो बेसिकली डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई बीमारी होती है फटाके लेना भी, और वो फटाके लेने की आदत उनको खुद को भी मालूम नहीं होती है, वो उनके लाइफ पार्टनर या उनके साथ सोने वाला ही बंदा जानता है कि यार ये तो बहुत गहरे फटाके लेता है। इनके सोते हुए जो सांस चलती है उसमें सीटी की आवाज आती है, मतलब इस तरीके के रोग भी हमारे जब ये डॉक्टर साहब से डिस्कशन होता है तो आती है और सामने। तो हमने कहा कि ये तो पत्रकार साथियों और उनके परिवार जन में ज्यादा होती है, तो हम उन्हें के लिए कोई ऐसा शिविर करें, और मित्र हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इस चीज को स्वीकार किया, और आज हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। हम अपने चाहते हैं कि कुछ पत्रकार बंधु जो सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में जिस तरीके से अपने आप को झोंकता है पत्रकारिता के पेशे में, वो किस तरीके से रोगों से ग्रसित हो जाता है, पूरा वातावरण जिस तरीके से प्रदूषण वाला है उसमें उनको एलर्जी भी हो सकती है, उनको श्वास रोग भी हो सकता है, उनको मतलब और भी कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, ऐसे में उनका भी यहाँ पर आज परीक्षण। मैं आज मित्र हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक बार और उस दृष्टि से थैंक्स करूंगा कि उन्होंने हमें हमारे बीच एक डाइटिशियन को भी उपलब्ध कराया है, और ये विशेष तौर पर इसलिए कराया है कि हम लोग कई बार ये महसूस करते हैं कि हमें सब कुछ दौड़ भाग करते हैं, हमारे खाने की भी चिंता भूल जाते हैं, लेकिन सही तरीके से खाना, सही समय पर खाना, वो हमारे पूरे बॉडी के संचालन को बहुत अच्छा करता है। हमारे जो पोषक तत्व जो हमें मिल रहे हैं उसकी वजह से हमारा ब्लड वगैरह जो भी है वो पूरा सही होता है। तो वो सलाह भी आज हमें रोशिना खान यहाँ पर उपलब्ध है, मैं इनके लिए तालियां बजवाना चाहूंगा। इनसे आप सलाह लीजिएगा, इनसे पूछिएगा कि हमें किस तरीके से भोजन करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ बने रहें। कई बार हमने महसूस किया है हम पूरे एक महीने तक कभी सलाद नहीं खाते, 15-15 दिन तक कोई फ्रूट नहीं खाते, दूध का ग्लास तो बहुत दूर होगा पीना, मतलब पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, हमारे को पता ही नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, और उसी वजह से कभी हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कभी कुछ, और उसकी वजह से 20 बीमारियां शुरू हो जाती है। तो आज का ये दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत सार्थक है। मैं आज हमारे यहाँ पर उपस्थित सुरेश जी कासलीवाल, राजेंद्र जी गुप्ता बोर्ड अध्यक्ष, हमारे पार्षद महोदय मित्तल साहब, महेंद्र जी मित्तल साहब, और बहुत से बंधु साथी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ और ज्यादा समय ना देता हूँ। मैं अपने परिवार के आज हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद दादी जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमारे अजमेर शहर के बहुत जाने माने स्पेशलिस्ट है, श्वास एलर्जी और रोग विशेषज्ञ है। मैं चाहता हूँ कि आज उनसे आप 10-15 मिनट का जो भी उनके सेशन हो सके आप उनसे परामर्श ले सके, सलाह ले सके, उनके बताए मार्गदर्शन पर आप आगे अपने आप के जीवन को, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं लाइफ में जो आप बदलाव कर सकते हैं और उसके साथ अपना एक अच्छी जीवन शैली जी सकते हैं। मैं आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डॉक्टर प्रमोद दादी जी को के उपलक्ष्य में हमने आज इस कैंप का आयोजन किया है। मुख्य उद्देश्य इस कैंप का
जो हमने रखा है थीम वो ये है कि हम हमारे फ्रेंड्स के मेंबर्स को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। एक ऐसी विधा है जिन्हें बहुत अजीब सी परिस्थितियों में, मुश्किल परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जाकर के अपने काम को अंजाम देना होता है। ना सिर्फ वातावरण प्रदूषण, इमरजेंसी, इन सब के अंदर उनको काम करना होता है। और आप देखेंगे आज जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थितियों के अंदर अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मेडिकल प्रोफेशनल या प्रेस वाले फिट नहीं रहेंगे तो ये मैसेज एक हेल्थ के बारे में जनता तक नहीं पहुँच सकता। अजय मेरू प्रेस क्लब द्वारा आज मित्तल हॉस्पिटल में निःशुल्क पत्रकार साथियों के लिए अस्थमा रोग के लिए और उनके लिए जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकार बंधुओं और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमोद दादिच ने अस्थमा से होने वाले संबंधित रोगों के बारे में जानकारी दी, परिचर्चा हुई और इसके लिए लोगों को आने प्रदूषण पर्यावरण इससे सुरक्षित रहने की सलाह दी गई। साथ ही आज जो यहाँ परिचर्चा हुई उसमें जानकारी मिली कि भाई हमें किस तरह इससे बच के और कार्य करने चाहिए ताकि हमें इससे वो मिले। और इसकी जो थीम थी वो स्टॉप फॉर अस्थमा रखी गई और चिकित्सकों ने आज इसमें डाइटिशियन द्वारा पोषाहार किस तरह लेना चाहिए, क्या लेना, उसकी भी जानकारी सभी को दी गई और इससे बहुत लाभान्वित हुए और क्लब के सभी सदस्यों उनके परिजनों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। और इसकी अच्छा राजेंद्र गांधी पूर्व कोषाध्यक्ष अजय मेरू प्रेस क्लब।